यूपी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। जिस कुर्सी पर कभी बैठते थे अधिकारी, उस पर आम आदमी बैठे दिखाई दिए। यही है योगी आदित्यनाथ की यूपी, यही है योगी बाबा की सरकार, जहां अधिकारी से लेकर हर नेता मंत्री को करना होता है अपना काम। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। योगी की यूपी की चर्चा देश भर में होती है, बात राजनीति को लेकर हो, बात शासन प्रशासन को लेकर हो, या फिर बात यहाँ के कर्मचारी अधिकारी के काम करने के तरीके की लेकर हो। यूपी हर क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। यहाँ से योगी के मंत्री का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया। लोग इस वीडियो को देख इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो देखिए, आपको इस वीडियो में तीन गणमान्य नजर आएंगे। एक सुनीता दयाल जो गाजियाबाद की महापौर है, दूसरे अजय मिश्र जो पुलिस आयुक्त है, और तीसरे जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। यह है यूपी सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री अस्तिम अरुण। इन सबके बीच काली शर्ट में बैठा एक शख्स भी आपको नजर आ रहा होगा। ये व्यक्ति कोई अधिकारी या बड़ा नेता नहीं, बल्कि एक आम आदमी है। जो आदमी अपनी शिकायत लेकर मंत्री जी के पास पहुंचा हुआ है, इसके जैसे कई और फरियादी मंत्री जी से गुहार लगाने पहुंचे थे। इसी बीच मंत्री जी का ये तरीका लोगों को खूब भा गया। मंत्री जी ने ये वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, जनता बैठी कुर्सी पे जवाब ले रही अधिकारियों से गाजियाबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में शिकायतकर्ताओं को अपने बीच बैठा कर उनसे चर्चा कर शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। जो प्रकरण अधिकारियों की गलती के कारण लंबित है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आप जब इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रूम में मंत्री जी के साथ कई और अधिकारी मौजूद हैं। मंत्री जी ने यहाँ एक एक शिकायतकर्ता को अपने बगल में बिठाया, उनसे उनकी समस्याएं पूछी और ऑन द स्पॉट वहाँ मौजूद अधिकारियों को समस्या का निपटारा करने का आदेश दिया और कहा, केवल बात करने से लाभ नहीं होगा, मुझे परिणाम चाहिए। और ये सब लोग ये भी देख लें, ये मामले कैसे चुने गए हैं। सभी अधिकारी देखेंगे इसको, जो IGRS पे 3 महीने से ऊपर लंबित हैं, जिनका परीक्षण किया गया, हम लोग को लगा कि ये बात इनकी सही होगी। तो पहली बात, IGRS केवल एक छोटी मोटी सूचना बना करके भेजने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे 5 प्रकरण ही रिव्यू करूंगा, उस तो 10 भी कर लूं, लेकिन आपको तैयार होकर के आना है। यहाँ मंत्री जी ने 2 टुक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। पहली बात तो रोज काम करिए, इसका इंतजार मत करिए कि मैं किन 5 लोगों को बैठा के बात करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी का निस्तारण करिए। इस तरह का कि 116 कर दी गई है, पुलिस लिख दे, सिविल तहसील लिख दे कि इनको सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी गई, ये सब नहीं चलेगा। प्रॉपर परिणाम दीजिए, रिपोर्ट डिटेल दीजिए। मंत्री ने यहाँ अपने अधिकारियों को ये भी समझाने की कोशिश की कि आम जनता का काम सबसे ऊपर है। ये आज की पूरी प्रक्रिया इसीलिए है कि IGRS 1076 जो शिकायतें आती है उनको पूरी गंभीरता से लीजिए, उनको हल करिए। हम और आप, पूरा तंत्र जो यहाँ बैठे हैं सतीश जी, इनकी सेवा के लिए है। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो फिर जो बड़े बड़े बंगलों में हम लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सब बेकार है। इनको अगर संतुष्ट किया तो जो आपको तनख्वाह मिल रही है, हमको तनख्वाह मिल रही है, उसकी कोई वैल्यू है, अन्यथा कोई इसकी वैल्यू नहीं। मंत्री जी के इस कार्य की चर्चा चारों ओर हो रही है। वीडियो देख आम जनता भी कमेंट कर रही है। एक यूजर लिखते हैं, जय हिंद श्रीमान जी का, जनता को न्याय दिलाने हेतु बहुत सराहनीय कदम। एक और यूजर लिखते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश, शुभकामनाएं। एक और यूजर लिखते हैं, सराहनीय कार्य महोदय। एक और यूजर लिखते हैं, बहुत कम मंत्री है जो हकीकत में जनता के लिए काम करते हैं, आप उनमें से एक है। एक और यूजर लिखते हैं, बहुत सराहनीय कार्य सर। तो देखा आपने कि किस तरह से योगी के मंत्री ने अपने काम से सभी का दिल जीत लिया। लोग यूपी में इस तरह के मंत्री की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ही मंत्री राज्य के विकास का कार्य करते हैं, राज्य को आगे बढ़ाते हैं। जाते जाते आपको छोड़े जाते इस पूरी वीडियो के साथ, इसे देखिए और बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या समस्या है बताइए आप, और नदी बताइए। हमारे मकान खरीदा, हमारे मकान क्या काम करा कि जिस आदमी के नाम मकान निकला था वो आदमी 12 साल पहले मर चुका,
उसको मरे हुए को जीवित 12 साल बाद दिखाकर उसने बिजनेस बनाना ले लिया, उसका कब्जा कर लिया। हमने शिकायत कर इंक्वायरी करवा से हम तक कम से कम जीडीए का मकान है। हाँ जीडीए का जो जो बिल्डिंग है। अच्छा हम काम करेंगे। ठीक है तैयार करके और उस पर मदन मोहन अंतिम आज के लिए ये चावल के दाने के रूप में अंतिम प्रकरण है भैया। एक बार सतीश सिंह जी हैं, इनकी शिकायत ये है कि 2011 में एक व्यक्ति मर गया, उसको 12 साल के बाद जीवित दिखाते हुए उसकी पारा पटौनी कराई गई और उसके जरिए इनकी संपत्ति पे कब्जा किया गया। बाद में 5 प्रकरण ऐसे चेक करूंगा जिस जो यहाँ अधिकारी रहते हैं उनको डिटेल देंगे वो क्यों तैयार होकर के आएंगे। केवल बात करने से लाभ नहीं होगा, मुझे परिणाम चाहिए। और ये सब लोग ये भी देख लें ये मामले कैसे चुने गए हैं, सभी अधिकारी देखेंगे इसको, जो IGRS पे 3 महीने से ऊपर लंबित हैं, जिनका परीक्षण किया गया, हम लोग को लगा कि ये बात इनकी सही होगी। तो पहली बात, IGRS केवल एक छोटी मोटी सूचना बना करके भेजने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे 5 प्रकरण ही रिव्यू करूंगा, उस तो 10 भी कर लूं, लेकिन आपको तैयार होकर के आना है। पहली बात तो रोज काम करिए, इसका इंतजार मत करिए कि मैं किन 5 लोगों को बैठा के बात करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी का निस्तारण करिए। इस तरह का कि 116 कर दी गई है, पुलिस लिख दे, सिविल तहसील लिख दे कि इनको सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी गई, ये सब नहीं चलेगा। प्रॉपर परिणाम दीजिए, रिपोर्ट डिटेल दीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट स्वयं मिलती है आवेदक को। अगर सिविल कोर्ट लाइक मामला तो स्पष्ट लिखेंगे कि इनका ये मामला सिविल कोर्ट का है, इस प्रकार का वाद दायर करें ताकि उसको भी सलाह मिले। केवल ब्लैंक डिस्पोजल मत करिए। ये आज की पूरी प्रक्रिया इसीलिए है कि IGRS 1076 जो शिकायतें आती हैं उनको पूरी गंभीरता से लीजिए, उनको हल करिए। हम और आप पूरा तंत्र जो यहाँ बैठे हैं सतीश जी, इनकी सेवा के लिए है। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो फिर जो बड़े बड़े बंगलों में हम लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सब बेकार है। इनको अगर संतुष्ट किया तो जो आपको तनख्वाह मिल रही है, हमको तनख्वाह मिल रही है, उसकी कोई वैल्यू है, अन्यथा कोई इसकी वैल्यू है।